मैं इस टाइम कैमल पे हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। एक घंटे के बढ़िया सफ़र के बाद जयपुर के अंदर बाहर घूम के आने के बाद बाइक पे फर्स्ट क्लास जयपुर देखने के बाद अब मैं पहुंच रहा हूं। मैं पहुंचा सीधा चौकीदानी रिजॉर्ट, अभी बंद है जयपुर का चौकीदानी। पूछता हूं कितने बजे खुलेगा और क्या इसकी टाइमिंग रहती है। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये सारा जयपुर का चौकीदानी है। यहाँ मेरे पीछे इधर चौकीदानी है, इसका टाइम फ़िलहाल के लिए हो गया है 3 से लेके रात को 8 बजे तक। अब ये रात को 8 बजे लास्ट बंद हो जाएगी, और अगर आप आएँ तो पहले ऑनलाइन इंक्वायरी करके आएँ कि चौकीदानी का टाइम ओपन का और क्लोज का क्या है। चौकीदानी रेस्टोरेंट खुल गया, अब मैं अंदर जा रहा हूँ, पता करते हैं टिकट वगैरह का क्या सीन है और देखते हैं अंदर जाके। तो कहते हैं ना, आओ पधारो, लेट्स गो इनसाइड एंट्रेंस। तो बड़ी प्यारी बना रखी है, यहाँ मंदिर भी है। टिकट काउंटर ही अंदर ही है ना? हाँ अंदर ही है, 3 से 8 बजे तक। ठीक, टिकट काउंटर खुल गया, आओ चलते हैं अंदर, पधारो मारे देश। मैं बंदर आ गया चौकीदानी में, मेरे लेफ्ट साइड टिकट मिल रही है और पीछे का व्यू आप देख ही रहे हैं। और टिकट लेने चलते हैं। टिकट मैंने ले ली है, 900 की टिकट मिली। अब मैं अपने लेफ्ट साइड से एंटर करूँगा अंदर। 3:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा खाना और कुछ एक्टिविटीज़, बाकी पेड है। सामने राइट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है जो पेड एक्टिविटी है, लाइक अ कैमल राइड 20 रुपये, बैलून कार्ड, स्किल गेम्स, कॉस्टली नहीं है, 20-30 रुपये मैक्सिमम। तो आओ एंजॉय करते हैं। नाउ आई एम गेट इन, यहाँ मेरी स्कैनिंग होगी, टिकट चेक होगी और सैनिटाइजेशन। चौकीदानी में दर्शनीय स्थल ये, अभी मुझे बताया ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये अलग अलग स्टेट वाइज घर बने हुए हैं, तो हम अंदर जाकर भी देख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ सामने की बात करूँ, जो मेरे सामने इससे मेरे को दिख रहा है, ये है राजस्थान। मैं अभी यहाँ बने हुए एक घर से के अंदर आया हूं। अच्छा, ये राजस्थानी स्टाइल का घर है, राजस्थानी हवेली। ठीक, तो ये इस तरह की वो होती है बैठक राजस्थान में, राजस्थानी स्टाइल की अगर हम बात करें। ये जम्मू कश्मीर का रहने का स्टाइल है कि जैसे वो लोग वहां के रहते हैं, ये उसकी एक डिजाइन बना हुआ है यहाँ पर चौकीदानी के अंदर। चार्जेस कुछ नहीं है, बस वैसे ही थोड़ा सा भाई साहब बता रहे हैं, तो आप इनाम में अगर कुछ दे सके तो दे दे, बाकी अलग से इसके चार्जेस नहीं होते। आप घूमना चाहें घूम लें। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये सब अलग अलग स्टेट वाइज घर बने हुए हैं कि राजस्थान के घर ज़्यादातर कैसे होते हैं, हवेली होती है तो कैसी होती है। अभी मेरे लेफ्ट साइड पे ये जो मेरे पीछे आ गए जम्मू कश्मीर है, मेरे सामने राजस्थान है, यहाँ कुछ और है, आगे कुछ और है, फिर वहाँ कुछ और है।
बाकी मेरे पीछे तो आप देख ही रहे हैं सब चल रही हैं अलग अलग स्टेट वाइज, जैसे ये महाराष्ट्र की है, लेफ्ट साइड में केरला, और मेरे सामने है तमिलनाडु, और मेरे राइट साइड पे गोवा आ गया। अभी मैं हूँ चौकीधाणी के अंदर, राजस्थानी गांव कैसे होते हैं उस एरिया में, ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे राजस्थानी गांव के मॉडल्स यानी कैसे दिखते हैं गांव या कैसे होते हैं, ये वो बने हुए हैं। मंजिया बिछी हुई हैं, खाट ये रही, और बने हुए हैं बिल्कुल प्रॉपर मिट्टी के ही, आई थिंक। मैं पूरा पीछे से देख कर आया, मैं दिखाऊँगा आप सबको भी। पीछे से मैंने एंट्री करी थी और अब मैं यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। मेरे को सारा साफ हो गया, वो क्लीन कर गए अच्छी तरह, और अभी मैं जाऊँगा हल्दी घाटी की तरफ, क्योंकि मैंने एग्जिट ली थी यहाँ से, यहाँ से मैं बाहर आया था और मैं आगे चला गया, जबकि आई शुड हैव गॉन हल्दी घाटी। सनलाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है। नाउ आई एम एंटरिंग इन हल्दी घाटी। राम राम जी। इस टाइम मैं हूँ चौकीधाणी की हल्दी घाटी में, अभी रिकॉर्डेड है। रानी पद्मिनी, ये है रानी पद्मिनी का जौहर कुंड। अब मैं बाहर आ रहा हूँ श्री तिरुपति बालाजी टेंपल से, और इस टाइम मैं हूँ हल्दी घाटी चौकीधाणी के अंदर, हल्दी घाटी के एरिना में। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये जैसे उस टाइम युद्ध हुआ करता था, ये उस तरह की स्टैचूज बनाए हुए हैं यहाँ पे। और मैं आया था सामने से, जाएंगे भी यहीं से।
बनाया तो अच्छा हुआ है और क्राउड भी ठीक लग रहा है, अभी बढ़ रहा है धीरे धीरे। गार्ड चले गए यहाँ से, ये मैं आ गया हूँ बाहर। अब मैं जा रहा हूँ सीधा सामने जहाँ मैं पहले गया था, आगे चला जाता तो हल्दी घाटी मिस हो जाती। बढ़िया है भाई वेदर यहाँ का, ठंड पानी है यहाँ साथ में इसलिए मेरे को लग रहा है था पानी की वजह से थोड़ा सा यहाँ ठंडक ज़्यादा आ रही है। कुछ यहाँ है जयपुर में, मैंने एक दो दिन से रिलाइज़ करा है, जैसे धीरे धीरे धूप कम होती है वैसे थोड़ा मौसम भी बदल जाता है, ठंडक आ जाती है। दिन में ऐसा नहीं होता कि आप स्वेटर वगैरह उतार दो आजकल के मौसम में। यहाँ मैं कहीं अंदर आया हूँ, ये है भूल भुलैया टाइप का कुछ बनाया हुआ है, और भूल भुलैया टाइप का कुछ नहीं है, भूल भुलैया ही। तो अब मुझे दूसरी तरफ से बाहर निकलना है, इसका मतलब ये है आई हैव टू फाइंड द वे टू गेट आउट। नॉप, ओ बंद है। मेरे से पहले तो मेरी स्टिकी अड़ जाती है। यहाँ बंद, रात को बल्ब जल जाते हैं ऊपर, ये लाइट देख रहे हो, इनमें लाइट्स लगी हुई है। ये रहा गोल, मैं आ गया हूँ बाहर। ये है चोखी धानी फूड, फ्लैट 25 रुपये ऑफ, 25% ऑफ, सॉरी फ्लैट 25% ऑफ ऑन MRP ऑल प्रोडक्ट। एक मैंने भी कैमल राइड लिए विच इज़ वेरी नॉर्मल प्राइजेस, 20 रुपीज ईच पर्सन। और ये पीछे ये वाला कैमल, इस पर मैं राइड करूँगा, इसी पे करूँगा ना मैं राइड अभी, होप मेरा वेट उठा ले, उठा रहे। अच्छा जी, थैंक यू। पीछे वाले पे ये एक मिनट पकड़ोगे भैया, वाह जी ठीक है जी, बिल्कुल जी। ओ ओ ओ ओके, मैं इस टाइम कैमल पे हूँ और बड़ा मजा आ रहा है, ये देखो वाह जी वाह। कैमल राइड लेके मुझे तो बहुत मजा आया, फाइनली मेरी राइड कंप्लीट हुई। सोलो ट्रैवलर में बस यही होता है कि एक और अगर साथ होता कोई, तो क्योंकि मैंने उनसे फोटो खिंचवाने के लिए तो हेल्प कर ली, कह दिया उन्होंने कर भी दी, बाकी वीडियो की उन्होंने बनाई थी पर वो ठीक बनी नहीं, बाकी कोई होता तो और भी अच्छा होता। चलो आगे चलते हैं, नॉट एन इशू। राइड लेने के बाद अब मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ भूल भुलैया जहाँ पर अभी वो रेडी कर रहे थे, और एलिफेंट राइड वगैरह भी है वहाँ पर, तो एक बार जाके देखते हैं अगर उनके सारे स्टॉल ओपन हो गए हैं तो। Let's visit. पाँच पाँच रुपये चार्ज देते हैं, तीन तीन बार राउंड मिलते हैं, आर्चरी बॉलिंग शूटिंग। थैंक यू।
पीछे भी एक है। मैं आ गया हूँ यहाँ, ये है केसर पिस्तारी रबड़ी, खर्चो 30 रुपये। आओ देखते हैं, एक देना भैया। ये मैंने लिए केसर पिस्तोरी रबड़ी 30 रुपये। जबरदस्त है, बहुत मज़ेदार, मुझे तो खा के बहुत मज़ा आया। रेट भी ठीक है, केसर पिस्तारी रबड़ी सही है। चौकीदानी में एक्टिविटी करने को बहुत कुछ है, मेरे को 2 घंटे हो गए फिलहाल। मैं इससे यहाँ बैठा हूँ, ये बैठने की जगह बनाई हुई है, गद्दियाँ गद्दे, बहुत बढ़िया सेटअप है। तो आप घूमते रहो, मुझे 2 घंटे हो गए हैं, मैं सही बताऊँ, और 2 घंटे में मैं अभी तक रेस्टोरेंट में एंटर नहीं करा, मैं अभी तक बाहर ही घूम रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी विद योर फैमिली।